आज की हमारी इस क्लास में हम आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कॉम्बो बॉक्स के ऊपर कि कॉम्बो बॉक्स कैसा किस तरीके से बिहेव करता है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, तो टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है? टेक्स्ट बॉक्स करता है कि आप यूजर से एक इनपुट ले सकते हो, राइट? लेकिन यूजर से इनपुट लोगे तो यूजर अपने मर्जी से अपने हिसाब से इनपुट डालेगा। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ रही है कि यूजर से एक इनपुट लेना है, लेकिन आप चाहते हो कि वो एक सिलेक्टेड चीजों में से कुछ चीजें को सिलेक्ट करके आपको दे, तो उस केस में हम कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, कॉम्बो बॉक्स लिया, डिजाइन किया और यहां पे हम लिख देते हैं सिटी, सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी। ये डिजाइनिंग हो गए। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि इसमें मेरे हिसाब से जो चीजें हैं वो चीजें आनी चाहिए। तो कैसे लोड करेंगे? तो लोड करने का तरीका डिपेंड करता है आपके डेटा के इसके ऊपर, उसकी जो नेचुरलिटी है उसके ऊपर। मान लीजिए कि डेटा आपके पास है 3 4 5 10 का लिस्ट है और फिक्स है, कुछ भी चेंजेबल नहीं और कम लिस्ट है, तो आप क्या करेंगे कि इसी पे जो सीट है, सीट के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने के बाद यहां क्लिक के जगह इनिशियलाइज, जो क्लिक दिख रहा है आपको वो इनिशियलाइज यूज करें। ठीक है, इनिशियलाइज का मतलब होता है जब फॉर्म आपका अपीयर होगा, फॉर्म आपका जब अपीयर होगा उसको इनिशियलाइज कहते हैं। और यहां पे हम लिखेंगे विथ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन, कितना और यहां पे डॉट एड आइटम, यहां पे आप अपने आइटम डाल दो, जैसे कि पुणे डॉट एड आइटम, जैसे कि यहां पे पटना डॉट एड आइटम, कोलकाता डॉट एड आइटम, दिल्ली। जब आपका खत्म हो जाए तो यहां पे आप कर दीजिए एंड डी। अब इसको प्ले करें, यहां पे देखिए आ गया, ये क्या है? फिक्स है, राइट? लेकिन मान लीजिए कि लिस्ट थोड़ा सा फिक्स लिस्ट है लेकिन थोड़ा सा लंबा है और उसको आपने अपने एक्सेल सीट में डाल रखा है, पुणे जयपुर रायपुर उदयपुर इंदौर मुंबई कानपुर। ठीक है, ऐसे आपके लिस्ट है जो कि फिक्स है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, यहां शीट दिख रहा है ना आपको,
नीचे इसको इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे कॉम्बो बॉक्स की, और यहाँ पे आप देखिए ये आपको मिलेगा रो सोर्स। रो सोर्स में आप देंगे कि सीट वन ए वन से लेके चले कहां तक, ए फाइव ए सेवन तक, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन याद रखिए कोई एक ही मेथड होगा, फिर इस मेथड को आपको डिलीट करना पड़ेगा, दो रखोगे तो परमिशन डिराइड कर देता है यहां पर। लेकिन मैं कहता हूं कि चेंज हो रहे हैं, मतलब कि यहां पे इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए एक्सेल का मेथड होगा, याद होगा हमने ऑफसेट में डायनेमिक रेंज पढ़ा था। हम यहां पे देते हैं सिटी और ओके कर देता हूं। उसके बाद नेम मैंने जाके इसको एडिट करता हूं, यहां पे फॉर्मूला डाल देता हूं ऑफसेट का, कि ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, हमने बोला यहां से स्टार्ट करो, जीरो रो जीरो कॉलम, और हाइट हो जाएगा काउंट ए, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं, और विड्थ हो जाएगा वन, और यहां पे क्लोज। उसके बाद आप इसमें आइए यूजर फॉर्म में, और जहां पे पाथ में आपने ए वन से ए सेवन लिख रखा है उसके जगह पे आप दे दीजिए सिटी। ठीक है, तो ये आपके जैसे यहां इंक्रीज होगा आपका ए भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है नरेश जी, संदीप जी और शनवाद जी, यस सर, लेकिन ठीक है। इसी को हम वीवीए मेथड से करना चाहते हैं, हम इस मेथड से नहीं करना चाहते, वीवीए के मेथड से। तो सबसे पहले हम हमें इसको सेलेक्ट करना होगा और इसकी जो रो सोर्स हमने डाला था उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि तो एक ही मेथड लेता है। और उसके बाद हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और इनिशियलाइज पे ही जाएंगे और लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू कहां तक, शीट्स चाहे सीट वन डॉट रेंज, रेंज में हमने यहां ले लिया A65000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट रो। ठीक है, नेक्स्ट आई, और यहां देते हैं मी डॉट कॉमो बॉक्स वन डॉट एड आइटम सेल्स आई कॉमा जीरो डॉट वैल्यू। ठीक है, तो भी आपका सेल दिखेगा। अच्छा जीरो नहीं होगा, वन होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक देगा। नरेश जी, संदीप जी और शाहनवाज जी, एनी डाउट्स? सर नो सर। सर नरेश जी आपको क्लियर सर, नर्स ठीक
अब नोट कीजिए कुछ काम, आपको एक फॉर्म बनाना है, डिपेंडेंट फॉर्म, इसको डिपेंडेंट कॉमो बॉक्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां सिलेक्ट किया सिलेक्ट सिटी, और जो सिटी सिलेक्ट होगी उसी का यहां एरिया आना चाहिए, जिसको हमने डेटा वैलिडेशन में किया था याद होगा आपको, उसको आपको यहां पे करना है पीवीएफ। ठीक है, कि मैंने यहां पे पुणे सिलेक्ट किया तो इसके आगे पुणे का एरिया आना चाहिए, जिसका डिटेल हमें एक्सेल के शीट पे है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। और दूसरा मुझे या मेरे पास क्या है कि जो सिटी है वो मल्टीपल है, मतलब कि रिपीटेड है, और मुझे कॉम्बो बॉक्स में उसकी यूनिक चाहिए। राइट? यस सर। हो जाएगा? बस क्यों है सर? करके भेजिए अभी सर, कोई बड़ी चीज नहीं है, जो चीज उसमें अप्लाई होना वो सारा चीज आपको आता है। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी करके भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका।